कानपुर नगर के काकादेव क्षेत्र में डॉक्टर दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर दिलीप गंगवार ने न सिर्फ शिक्षक के व्यक्तित्व को चरितार्थ किया है बल्कि शहीद एवं गरीब वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर समाज के प्रति अपने सेवा भाव को भी प्रदर्शित किया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में उनके इंस्टीट्यूट के शिष्य अलाउद्दीन ने लगातार 27 घंटे 5 मिनट पढ़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डॉक्टर गंगवार की इस मेहनत का फल उन्हें कानपुर के सबसे अच्छे और लोकप्रिय शिक्षा संस्थान के रूप में मिला। आपको बता दें कि उनके इसी जुझारूपन और जज्बे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उन्हें कानपुर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान का अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें नवंबर माह में नेशनल ग्लोरी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर गंगवार ने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि इस बार उनके संस्थान से 7 बच्चों का चयन एम्स में हुआ है और इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास अनवरत जारी है। उन्होंने बताया उनका उद्देश्य न सिर्फ मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण तालीम देना है बल्कि गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिसका प्रयास वो लगातार अपने संस्थान के माध्यम से करते रहेंगे। डॉक्टर दिलीप गंगवार है और मैं डॉक्टर दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर जो मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो उनको पढ़ाया जाता है, उनको कोचिंग कराई जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। और इस साल हमको 31 अगस्त 2019 को माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा एक्सलेंस इन एजुकेशन अवार्ड मिला, जो अपने अपने फील्ड के कई शिक्षाविदों को मिला था। ये प्रोग्राम लखनऊ के ताज होटल में हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्हें सबको सम्मानित किया, उसमें एक हम भी थे। कानपुर की बेस्ट कोचिंग का अवार्ड डॉक्टर दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट को मिला। और अभी 9 नवंबर को जयपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें नेशनल ग्लोरी अवार्ड हमको अपनी कोचिंग फील्ड के लिए मिला। उसमें भी तमाम सारे टीवी कलाकार भी आए थे, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ऐसे भी हस्तियां थी वहाँ पर जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया। जैसे जयपुर की एक महिला थी जो कि ऑटो रिक्शा चलाती थी, तो पहली महिला थी जिन्होंने ऑटो रिक्शा चलाया, उनको भी इंडियन ग्लोरी अवार्ड मिला। हमारे एक छात्र हैं अलाउद्दीन शेख, जिन्होंने 27 घंटे बिना रुके बिना कुछ खाए पिए लगातार पढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, गोल्डन बुक में उनका नाम दर्ज हुआ, उनको भी ये अवार्ड इंडियन ग्लोरी अवार्ड 2019 का मिला।